पूजन विधि में इस्तेमाल होने वाले ये बतासे आज हम घर पर बनाएंगे दो मिनट में हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल मैं हूँ रश्मि सचान और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर चलिए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ गुड़ी पाड़वा के अवसर पर ये बतासे जरूर बनते हैं इसलिए मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ यहाँ पर मैंने ली हुई है आधा कप चीनी और ये इनो है जिसका मैंने दो चुटकी इनो लिया है जितना इनो लिया है पूरा नहीं इस्तेमाल करेंगे इसमें हम दो चम्मच पानी डालेंगे सिर्फ पिघलाने के लिए तो पहले आप आँच को धीमा ही रखिएगा जब तक चीनी अच्छे से पिघल नहीं जाती है और बराबर इसे चलाते रहिएगा क्योंकि ये जल भी सकती है इसलिए बर्तन थोड़ा भारी तले वाला ही इस्तेमाल कीजिएगा इनो फ्रूट सॉल्ट आपको वाइट वाला इस्तेमाल करना है ये फ्रूट सॉल्ट होता है ये देखिए जब चीनी अच्छी तरह से पिघल जाएगी तो इस तरह से बॉयल होने लगेगी तो पिघलने के बाद धीमी आंच पे इसे हम एक दो मिनट तक बॉयल करेंगे इसे तब तक बॉइल करना है जब तक एकदम हार्ड नहीं हो जाती जैसे कि दोबारा से ये शक्कर नहीं बनने लगती है देखिए अगल बगल इसमें शक्कर बनने लगी है और इसमें कितने सारे बबल्स सा आ गए हैं साथ ही साथ ये बहुत कांच जैसी एकदम ट्रांसपेरेंट हो गई है हमारी शक्कर और आँच को मैंने धीमा ही रखा हुआ है थोड़ा जब इसका कलर चेंज होने लगेगा हम इसमें डाल देंगे दो से तीन चुटकी इनो फ्रूट सॉल्ट डाल देंगे या उतना जितने में चीनी में बबल्स आ जाए यानी कि आपको ज़्यादा नहीं डालना है इसलिए चुटकी से डालिएगा थोड़ा थोड़ा जैसे देखिए अभी इसमें बबल्स आ गए हैं तो ऐसे ही इसमें बबल्स आ जाएंगे आज को धीमा रखिए बराबर इसको पकाते रहिए अब हम बीच में कोई एक थाली प्लेट लेकर इसे चेक भी करेंगे देख रहे हैं ना हमने किस तरह से इसे इससे क्या होता है जो बैटर यानी कि चीनी जो रहती है वो एकदम हल्की हो जाती है साथ ही साथ आपने देखा होगा जो बबल्स होते हैं बताशे के ऊपर वो बबल्स इसी से आते हैं तो इनो डालने के बाद में थोड़ी देर हम इसे पकाएंगे इसके बाद इसका एक ड्रॉप हम एक थाली में डालेंगे और इसके बाद हम इसे वेट करेंगे थोड़ा सा जैसे ही वो ठंडा हो तो हमें कंसिस्टेंसी पता चल जाएगी जो बताशे होते हैं वो डालते ही जम जाने चाहिए तो अभी ये देखिए ये थोड़ा सा अभी सॉफ्ट है ये देखिए गीला है इसका मतलब है इसे अभी हम आधा मिनट तक और पकाते हैं जैसे ही आप देखेंगे कि बैटर थोड़ा हैवी होने लगा यानी कि इसमें शक्कर बनने लगेगी ये हैवी हो जाएगा कुछ इस तरह का तो अब हम क्या करेंगे एक तरफ हमने स्टील की थाली ली हुई है इसमें जल्दी जल्दी से डाल देंगे छोटे छोटे वाले बताशे बनाने हैं तो छोटे बनाइए बड़े वाले बनाने हैं तो बड़े बनाइए इस तरह से देखिए ऊपर आपको बबल्स भी दिख रहे होंगे जैसे कि मार्केट वाले जो बताशे होते हैं उसमें बबल्स होते हैं इस तरह से जल्दी जल्दी से सारा बैटर डाल लीजिएगा अगर आपका बैटर बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाए तो आप इसे वापस से गैस पे रख कर धीमी आंच में हल्का गर्म कर सकते हैं तो ये फिर से बतासे बनाने के लायक हो जाएगा ये बहुत जल्दी ठंडा होता है और तुरंत जम जाता है ये देखिए अगर बैटर आपका मुलायम रहेगा तो बताशे अच्छे नहीं बनेंगे और ये लीजिए ये बिल्कुल एक डेढ़ मिनट के अंदर ही सख्त हो जाएंगे तो अब आप इन्हें जब ये पूरी तरह से ठंडे हो जाएं तो आप इन्हें निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से ये निकल आते हैं देखिए तो जब भी आपको पूजन के लिए बाज़ार जाना रहे या आपको रहे कि घर पे नहीं है बता सें तो आप इन्हें दो ढाई मिनट के अंदर घर पे बना सकते हैं थोड़ी सी चीनी लेकर हमने यहाँ पर मुश्किल से डेढ़ सौ ग्राम चीनी का इस्तेमाल किया है ये देखिए जो निकालने में दिक्कत हो उन्हें आप चाकू की मदद से जैसे मैंने निकाला हुआ है ऐसे भी आप निकाल सकते हैं और ये देखिए एकदम हमारे होम मेड और एकदम शुद्ध प्योर बताशे तैयार हैं इन्हें पूजा में आप इस्तेमाल कर सकते हैं बड़ी आसानी से छोटे बड़े अपनी पसंद के हिसाब से मोटे पतले अपने पसंद के हिसाब से आप कर लीजिएगा उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिए सभी के साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंचती रहे एयर टाइट डब्बे में इन्हें भरकर आप स्टोर कर सकते हैं